दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का 9 अक्टूबर की रात 86 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन के समाचार से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। कई नामी गिरामी हस्तियों ने उन्हें अपनी आखिरी श्रद्धांजलि दी। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनकी अंतिम यात्रा जब निकली तो लोगों की आंखें नम थी। इस दौरान एक खास दृश्य लोगों को देखने को मिला। उनके करीबी सहयोगी और टाटा ट्रस्ट के जनरल मैनेजर शांतनु नायडू रतन टाटा के पार्थिव शरीर को ले जा रही गाड़ी के आगे अपनी मोटरसाइकिल पर चल रहे थे। यह देखिए कैसे शांतनु गाड़ी के आगे मोटरसाइकिल से जा रहे हैं। जिसने भी इस दृश्य को देखा अपने आंसू नहीं रोक पाया। रतन टाटा ऐसे बिजनेसमैन थे जिन्हें दुनिया सलाम करती थी। लोग उनसे राय लिया करते थे, लेकिन इतने बड़े बिजनेसमैन होकर भी अपने से बहुत छोटे युवक शांतनु नायडू से रतन टाटा सलाह लेते थे। रतन टाटा के साथ अक्सर आपने एक दुबले पतले युवक को देखा होगा। आखिर ये युवक है कौन? इनमें ऐसी क्या खासियत थी कि रतन टाटा जैसे दिग्गज उद्योगपति उनसे सलाह लेते थे? तो आपको बता दें कि दुबले पतले इस युवक की उम्र महज 31 साल है और शांतनु में जरूर कुछ ऐसी खासियत रही होगी, क्योंकि ये दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा उनके साथ अपना समय ही ना गुजारते थे बल्कि उनसे सलाह भी लिया करते थे। शांतनु रतन टाटा के असिस्टेंट रहे हैं। वे रतन टाटा के बेहद करीबी माने जाते थे। शांतनु रतन टाटा को स्टार्टअप में निवेश के लिए बिजनेस टिप्स दिया करते थे। रतन टाटा के सबसे करीब रहने वाले शांतनु नायडू ने मीडिया से बातचीत में रतन टाटा के व्यक्तित्व के कई पहलू साझा किए हैं। उन्होंने बताया कि मैं टाटा के साथ एक बार डिनर करने गया था। वे खुद कार चलाकर मुझे मुंबई की थाई पेवेलियन ले गए थे। डिनर के दौरान मैंने टाटा से कहा कि जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा तो क्या आप मेरे दीक्षांत समारोह में आएंगे? इस पर टाटा ने कहा मैं पूरी कोशिश करूंगा, और वे आए भी। 2016 में शांतनु नायडू अमेरिका में कॉर्नेल विश्वविद्यालय से MBA करने गए। जब उन्होंने अपनी डिग्री पूरी की तो 2018 में वापस आए और वे चेयरमैन ऑफिस में डिप्टी जनरल मैनेजर के रूप में टाटा ट्रस्ट में शामिल हो गए। आपको बता दें कि रतन टाटा का 31 वर्षीय शांतनु नायडू से खास जुड़ाव रहा है। हालांकि शांतनु नायडू का रतन टाटा से कोई पारिवारिक संबंध नहीं था, लेकिन वे टाटा ग्रुप में काम करने वाले अपने परिवार की पांचवीं पीढ़ी जरूर बताए जाते हैं। हालांकि शांतनु की प्रतिभा से प्रभावित होकर रतन टाटा ने खुद उन्हें फोन करके अपना असिस्टेंट बनने का ऑफर दिया था। इससे भी जुड़ा एक किस्सा है। दरअसल शांतनु नायडू की रतन टाटा के साथ दोस्ती जानवरों के प्रति उनके साझा प्रेम के कारण हुई। सभी जानते हैं कि रतन टाटा को अपने कुत्तों से बेहद लगाव था और उन्हें सभी जानवरों से बहुत प्यार था। जानवरों के प्रति प्रेम और लगाव की वजह से ही दोनों की मुलाकात 2014 में हुई थी, जब नायडू ने आवारा कुत्तों को रात में कारों के टक्कर से बचाने के लिए रिफ्लेक्टिव कॉलर बनाए थे। उनके इस प्रतिभा से प्रभावित होकर टाटा संस के मानद चेयरमैन ने तब नायडू को अपने साथ काम करने के लिए आमंत्रित किया था। नायडू मुंबई के रहने वाले हैं। उनका जन्म 1993 में पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। शांतनु जून 2017 से टाटा ट्रस्ट में काम कर रहे हैं। इसके अलावा नायडू ने टाटा एलेक्सी में डिजाइनर इंजीनियर के तौर पर भी काम किया है। रतन टाटा के निधन से शांतनु बेहद दुखी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रतन टाटा के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए अपना दुख जाहिर किया है। शांतनु नायडू की देश भर में एक व्यवसायी, इंजीनियर, जूनियर असिस्टेंट, DGM, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, लेखक और उद्यमी के रूप में काफ़ी प्रसिद्धि है। शांतनु नायडू ने बिजनेस इंडस्ट्री में एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जो कई लोगों के लिए हमेशा एक सपना होता है। तभी तो वे रतन टाटा के इतने लाडले थे और अंतिम दिनों में उनके साथी बने।